नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक माँ हो या माँ बनने वाली हो तो आपके न्यूबॉर्न बेबी का किन किन चीजों पे किस तरीके से ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानी बरतना है, इस वीडियो में मैं पूरी बेबी केयर बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपके बेबी के किसी भी प्रॉब्लम में अगर मेरी मदद चाहती हो तो इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन अगर लाल रंग का है तो उस पर क्लिक करिए। बाद में एक बेल आइकन आएगा, उसे भी क्लिक करके ऑल में सेट करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। चलिए अब न्यूबॉर्न बेबी केयर टिप्स के बारे में जानते हैं। पहला टिप्स है, समय समय पर बच्चे को दूध पिलाएं। हर 2 से 3 घंटे में एक बार बच्चे को दूध जरूर पिलाएं। 3 महीने तक बच्चे का नींद बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए बेबी बिना दूध पिए भी काफी देर तक सोती रहती है। लेकिन आपको याद रखना है, बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में उठा उठा कर दूध पिलानी है। अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क कम हो तो डॉक्टर से बात करके बेबी को फॉर्मूला मिल्क भी आप दे सकती हो। नेक्स्ट है, हर बार दूध पिलाने के बाद बेबी को ढक्कन दिलाना बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चे के पेट में गैस होगा, बच्चा रोते रहेगा, बच्चा दूध निकालेगा और आप समझ ही नहीं पाओगे हुआ क्या है। बच्चे को ढक्कन दिलाने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चे को कंधे पे लेकर उसके पीठ में हल्के हाथों से थपथपाए। इससे बच्चे का मुंह से एक ढक करके आवाज आएगा। अगर आवाज नहीं भी आए तो भी दूध पीने के बाद 10 से 15 मिनट तक बच्चे को कंधे पर ही लगा कर रखें। अगला टिप्स है, बच्चे को कैसे संभालना है। दोस्तों, 3 महीने तक बच्चे का हड्डियां काफी नरम रहती है, इसलिए बच्चे को जब भी उठाए एक हाथ उसके गर्दन के पीछे जरूर रखना। 3 महीने तक बच्चे को बिठाने का कोशिश गलती से भी मत करना। दूध पिलाते समय बच्चे का सर शरीर से थोड़ी ऊपर उठा कर रखना। बच्चे को किसी भी तरीके का झटका देना, हिलाना या हवा में उछलना मत। इससे बच्चे का ब्रेन डैमेज होने का खतरा रहता है। इसके अलावा हमेशा बच्चे को छूने से पहले हाथ धोए या अच्छे से सैनिटाइज जरूर करें। नेक्स्ट है, गर्भनाल का केयर करें। दोस्तों, बच्चे का गर्भनाल सूख के गिरने में 7 से 10 दिन का समय लगता है। अगर डॉक्टर ने कोई दवा दिया तो लगाना, वरना जब तक बच्चे का गर्भनाल ना गिरे तब तक बच्चे को कोई तेल, तूप, क्रीम कुछ भी नहीं लगाना है। गर्भनाल में गलती से भी पानी नहीं लगना चाहिए, वरना पस बन जाएगा। जब तक गर्भनाल ना गिर जाए तब तक बच्चे को डायपर पहनाते समय डायपर गर्भनाल से थोड़ी सी नीचे रहे। अगला टिप्स है, बेबी को बात देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, गर्भनाल पूरी तरह से सूखने से पहले अगर बच्चे को नहलाना है तो आप स्पॉन्ज बाथ दे सकते हो, और गर्भनाल सूखने के बाद अगर गर्मी का मौसम है तो दिन में एक बार, और अगर ठंडी का मौसम है तो 2 दिन में एक बार भी बच्चे को निला सकते हो। निलाते समय बच्चे का सिर पानी से ऊपर रखना। ध्यान रखना बच्चे का कान में पानी ना जा पाए। बच्चे को नहलाने के लिए हल्का गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें। अब बेबी मसाज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बेबी को दिन में 2 बार मसाज जरूर करना। ठंडी हो या गर्मी, तेल से मालिश करने से पहले तेल को हल्का गर्म कर लेना अच्छा होता है। बेबी का स्किन बहुत नाजुक होता है, इसलिए बेबी को हल्के हाथों से ही मालिश करना, ज्यादा रगड़ना नहीं। मौसम के हिसाब से तेल बदल बदल के बेबी को मालिश करना, जैसे गर्मी में राई का तेल और ठंडी में नारियल का तेल से मालिश मत करना। मालिश करने से बेबी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी होती है, स्किन
स्किन ग्लो करती है, ठंड नहीं लगती है, हड्डी मजबूत होती है। सबसे अच्छी बात ये है कि मालिश करने से बच्चे को नींद भी बहुत अच्छा आता है, बच्चा चिड़चिड़ नहीं करता है, इसलिए बच्चे को मालिश जरूर करना। कम से कम नहाने का 15 मिनट पहले और रात को सोने से पहले बच्चे को जरूर मालिश करना। अब बात करते हैं बच्चे का डायपर और कपड़े के बारे में। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड का डायपर आता है, लेकिन डायपर सिर्फ दो टाइप का आता है, एक है साइड से चिपकाने वाला और एक पैंट के जैसा। बच्चों के लिए हमेशा साइड से चिपकाने वाला डायपर लेना ही अच्छा होता है। ऐसे डायपर के इस्तेमाल से बेबी को डायपर रैश होने का खतरा बहुत कम रहता है। हर 3 से 4 घंटे में डायपर जरूर बदल दे। अब कपड़ों के बारे में बात करते हैं। बच्चों के लिए सफेद रंग का कॉटन का कपड़ा ही सबसे बेस्ट है। ज्यादा कलरफुल कपड़ा बच्चे को मत पहनाइए, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को पीलिया होने का डर रहता है। अगर पीलिया होगा तो कलरफुल कपड़े में ठीक से मालूम भी नहीं पड़ेगा, और अगर कपड़े का कलर निकला तो वो बच्चे का स्किन पे लगेगा, इससे बच्चे को एलर्जी भी हो सकता है। इसके अलावा बच्चों के कपड़े में बटन, पिन या हुक ना हो, इस बात का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि ये बच्चे को चोट पहुंचा सकते हैं। कोई भी नया कपड़ा डायरेक्ट बच्चे को ना पहनाए, पहले कपड़े को अच्छे से वॉश कर ले, उसके बाद ही वो कपड़ा बच्चे को पहनाए। नेक्स्ट है, बच्चे का रोने पे ध्यान दे। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना होता है कि बच्चे रोते ही है, लेकिन यह सोच गलत है। अगर बच्चा रो रहा है तो उसका मतलब है कि उसे किसी चीज की जरूरत है। अक्सर बच्चे खाने और सोने के लिए रोने लगते हैं। अगर बच्चे को भूख लगी है तो उसे फीडिंग दे, और अगर उसके बाद भी रो रहा है तो उसे हल्की थपकी के साथ सुलाने की कोशिश करें। इसके बाद भी बच्चा रोता ही रहता है तो जांच करें कि उसे किस तरह की तकलीफ है। वैसे तो छोटे बच्चों का रोना कोई चिंता की बात नहीं है, जन्म से लेकर कुछ महीने तक वो बहुत ज्यादा रोते हैं। लेकिन हाँ, अगर बच्चा बहुत देर से रो रहा है और आपको ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसे अनदेखा ना करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगला टिप्स है, बेबी को टमी टाइम दे। दोस्तों, 2 महीने का होने के बाद बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर के लिए टमी टाइम दे। टमी टाइम मतलब पेट के बल बच्चे को जमीन पे लेटाए। इससे बच्चा गर्दन उठाने का और गर्दन घुमाने का कोशिश करेगा, जिसके वजह से बच्चे का गर्दन का हड्डी स्ट्रॉन्ग बनेगा और बच्चा जल्दी से गर्दन सीधा कर पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपकी बेबी के लिए अगर कोई जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और इस तरीके का और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।